हेलो फ्रेंड्स, ये जो है नेट जून 2018 का सेट भी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 32 क्लासिकल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन था, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कह रखा है ए पार्टिकल ऑफ मास एम केप्ट इन ए पोटेंशियल दे रखा है अपने को, अंडरगो स्मॉल ओसिलेशन अबाउट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल दे रखा है वी एक्स इक्वल्स माइनस हाफ के एक्स का स्क्वायर प्लस 1/4 लैम्डा एक्स बाय 4। ठीक है, के और लैम्डा जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है, के एम लैम्डा पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के लिए मैं इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा, वी डैश एक्स इक्वल्स माइनस के एक्स प्लस लैम्डा एक्स क्यूब। अब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम निकाल लूँगा मैं पहले, 2 पुट वी डैश एक्स इक्वल्स 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास के माइनस के प्लस लैम्डा एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स 0, विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स 0 और एक्स इक्वल्स के बाय लैम्डा का रूट प्लस माइनस। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आ गए। अब ये क्या है, ये इन दो पॉइंट्स पे फंक्शन जो है, ये पोटेंशियल है, ये इक्विलिब्रियम मतलब पॉइंट इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा या फिर मिनिमा बनेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे स्लोप जो है 0 हो गया अपना। नाउ वी डबल डैश एक्स निकाल लूँगा मैं, ये आ जाएगा अपने पास माइनस के प्लस, यहाँ से डबल डेरिवेटिव मैंने किया, प्लस 3 लैम्डा ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वी डबल डैश एक्स इन पॉइंट्स पे चेक करूँगा मैक्सिमा या मिनिमा एट एक्स इक्वल्स 0 माइनस के। अब के पे डिपेंड करेगा, के की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये वी डबल डैश एक्स नेगेटिव हो गया, और अगर के की वैल्यू नेगेटिव है तो वी डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। अब के और लैम्डा जो है पहले ही गिवन थे कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये टर्म जो है लेस देन 0, विच इम्प्लाइज मैक्सिमा, और वी डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के बाय लैम्डा। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के प्लस 3 लैम्डा के बाय लैम्डा। ठीक है, ये आ गया, तो ये जो है 2k ग्रेटर देन 0, विच इम्प्लाइज मिनिमा। ठीक, अब इसने क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के लिए ओमेगा होता है अपने पास अंडर रूट ऑफ के बाय एम। यहाँ पे के क्या है, के डैश कह लेता हूँ, के ऊपर ऊपर भी ना, तो के डैश क्या है, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और एम क्या है, मास। तो के डैश क्या होता है, यहाँ पे वी डबल डैश एक्स के बराबर होता है एट मिनिमा। ठीक है, विच इम्प्लाइज के डबल डैश के डैश इक्वल्स, यहाँ पे वी डबल डैश एक्स एट मिनिमा किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे था, वी डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के बाय लैम्डा। तो फिर ये आ गया के डैश इक्वल्स 2k, तो अपने पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ 2k बाई m, तो ये अपने पास आंसर होना चाहिए था। ठीक है, अब इसने वन अंडर रूट पाई 2π का ऑप्शन है, तो यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी की टर्म इंट्रोड्यूस करके, ठीक है, ये अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। नाउ लीनियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2π f पर होता है अपने पास, f लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो फिर f इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट ऑफ 2k बाई, तो ये अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह 1/2π अंडर रूट ऑफ 2k बाय m, ये थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।